हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आज मनोज आईएएस के आंसरार्टिव प्रोग्राम में केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। केस स्टडी में जो आप देख रहे हैं, केस स्टडी आपके फोर्थ पेपर में लगभग 8 अंक का आता है, लगभग 125 अंक इससे आपको प्राप्त होते हैं। तो इसमें चर्चा करेंगे केस स्टडी लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो केस स्टडी मान केस स्टडी लिखा कैसे जाता है, इन समस्त बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका सामान्य अध्ययन के चतुर्थ सत्र में केस स्टडी प्रकरण अध्ययन लगभग आधे नंबरों में आते हैं। यदि अभ्यास कर लिया जाए तो चतुर्थ प्रश्न पत्र में सरलता से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अगर केस स्टडी लिखना है तो इसका अध्ययन हम करते क्यों हैं और इससे कौन कौन सी चीजें हम लिख करके इसको और बेहतर बना सकते हैं, आखिर यूपीएससी के पाठ्यक्रम में इसको शामिल क्यों किया गया है। तो बात करते हैं, इसका प्रयोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में गुणवत्ता लिए किया जाता है। केस स्टडी के द्वारा अभ्यर्थी को प्रशासनिक कार्यों की समझ के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक कार्य प्रणालियों व्यवहारिक प्रतिमान एवं क्रियान्वयन का पता चलता है, जो कि सैद्धांतिक अध्ययन में स्पष्ट नहीं होता है। जब आप सिद्धांत के रूप में कोई बात लिखते हैं, जैसे इतिहास का अध्ययन करते हैं और पॉलिटी का अध्ययन करते हैं, अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, तो उससे आपके व्यवहारिक ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो सैद्धांतिक हैं। व्यवहारिक ज्ञान की परख के लिए ही यूपीएससी ने न्यू पैटर्न जब ले आया तो इसमें आपके इसको लागू किया है, किसको, केस स्टडी को। इसका मुख्य उद्देश्य भावी अधिकारियों विकास करना है, जिससे भी कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना के समस्या का स्टडी समस्या से युक्त स्थितियों का विवरण होता है। केस स्टडी होता क्या है तो आपको बता दें कि ये जो है परिस्थितियों के का ही मुख्य विवरण होता है, जिसमें किसी समस्या का विश्लेषण की ओर बढ़ना होता है, कि बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसके उद्देश्य को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देगा, जिससे अभ्यर्थी को निर्णय क्षमता का, अगर आप केस पढ़ते हैं तो आप क्षमता आवश्यक है। निर्णय क्षमता क्या है कि फैसले आप किस तरह के लेते हैं, वह कितना सामाजिक फैसला है, कितना असामाजिक फैसला है, यह आपके व्यक्तित्व और चरित्र पर निर्भर करता है। दूसरा है अभ्यर्थी की विचार प्रक्रिया व संवाद कौशल में सुधार करना। और इस स्टडी से अभ्यर्थी के जो है विचार प्रक्रिया जो होती है उसके विचार हैं और संवाद कौशल क्या होता है, बोलने का तरीका क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, सुधार होता है। वास्तविक जीवन की प्रशासनिक परिस्थितियों के द्वारा अभ्यर्थी में व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास विकसित करना। सामान्य अध्ययन के विभिन्न भागों को संश्लेषित जोड़ना, करने की क्षमता का विकास करना, जिससे उसके व्यवहारिक उपयोग को अनुपयोग को वह जान सके। वह जो है किसी भी सैद्धांतिक जब चीज को पढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि आपने इतिहास का अध्ययन किया कि सम्राट अशोक जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक था और धर्मनिरपेक्ष वो तो बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सका, तो अकबर ने उसके धर्म को देख करके दीन इलाही धर्म क्यों चलाया, क्या उस तरह की व्यवहारिकताएं वर्तमान में प्रासंगिक हैं, और अगर प्रासंगिक न हो तो आज भारत सरकार की बात न करता। प्रस्तावना में पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता वह ही है, यह कहीं न कहीं उसका एक क्रम है, उसका विकास का क्रम है, इसी को आप पढ़ते हैं। अगला है इसमें कि केस स्टडी निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हल किया जा सकता है, वह कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जब केस स्टडी आप उसका उत्तर लिखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको आप जो है बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ें,
कम से कम दो से तीन बार पढ़ें और दो उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि इसके उत्तर को लिखते समय आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। और दूसरा इसका बिंदु है केस स्टडी। केस स्टडी जो है, केस स्टडी की परिस्थितियों का विश्लेषण करना। केस स्टडी का परिस्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके सामने एक ऐसी समस्या आती है और जिलाधिकारी होने के नाते आपकी व्यवस्था है कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को पढ़ने का जो है अधिकार दिया गया, लेकिन किसी गांव में ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप एक जिलाधिकारी होने के नाते क्या वहां पर किस तरह का विचार व्यक्त करेंगे कि लोगों के अंदर परिवर्तन आए और वो अपने इस पढ़ाई की ओर बच्चियों को दें। और तो आप कैसे वो अपनी बच्चियों को पढ़ाई की ओर भेजते हैं, इसके लिए आपको उनकी केस स्टडी करना पड़ेगा, समस्याएं जानना पड़ेगा, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसी समस्याएं से जो है उनका विकास हो सकता है, जरूरी होता है। अगला होता है केस स्टडी की विषय वस्तु की मुख्य समस्या या कोर एरिया को समझकर उसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट करना चाहिए। कोर एरिया जो होती है, विषय वस्तु और कोर एरिया में इसमें समानताएं क्या हैं, पहले आप समझिए। जैसे कोई व्यक्ति धर्म के प्रभाव में आकर के बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहता तो निश्चित उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। तो ऐसे समय में आप उस व्यक्ति की पूर्वाग्रही समस्या का अध्ययन करके उसे पूर्वाग्रह से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तब जाकर आप इसका समुचित उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आता है केस स्टडी में घटित घटनाओं का प्रभाव किन पक्षों पर पड़ रहा है, इसको समझना। आखिर केस स्टडी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी। क्या वो एजुकेशन पर पड़ रहा है, क्या वो आर्थिक है, क्या वो उद्योग और धंधों पर पड़ रहा है, इस पूरी चीज का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। घटनाओं का विश्लेषण पद्धत के अंतर संबंध स्थापित करना और फिर स्वाभाविक उत्तरों का परीक्षण करना, ये भी बहुत जरूरी होता है स्टडी लिखते समय। आपका सर्वाधिक सटीक उत्तर का चयन करना और उसके पक्ष में तर्क देना। सबसे बड़ी बात इसी चीज को बताते हैं कि हमारे मत में ऐसा होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वह कितना सटीक है। समुचित उत्तर भी आपको देना पड़ेगा, समुचित उत्तर देकर के इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है उत्तर लेखन में वर्णन के बजाय युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मतलब किसी चीज को व्याख्या बहुत ज्यादा करने की अपेक्षा आप उसकी सरलीकरण की ओर समाधान पर ध्यान देंगे। आपका उत्तर कथन और कारण जैसा होना चाहिए, आपका उत्तर कथन और कारण जैसा होना चाहिए। उत्तर जो है कथन कारण में लिखा जाना चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है। अगला है इसमें सावधानियां कौन कौन सी बरती जाती हैं। केस स्टडी पढ़ते समय आप सावधानियां क्या क्या बरतेंगे, जिसको आप लिखेंगे तो उसका उत्तर जो है निश्चित रूप से नकारात्मक होगा। इस चीज को समझने के लिए आप क्या करेंगे, उसके उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो आवश्यक हैं। पहले आप देखिए सावधानियां क्या क्या हैं। केस स्टडी में कुछ परिस्थितियां दी हुई होती हैं जबकि कुछ छिपी हुई होती हैं। केस स्टडी जब आप पढ़ते हैं जो कुछ जो है छिपी हुई होती हैं। इन दोनों परिस्थितियों को आपको पहले बाहर निकालना है, फिर ऐसे में केस स्टडी के संदर्भ में निर्णय करते समय अति सचेत रहने की आवश्यकता होती है। जब केस स्टडी में आप निर्णय देते हैं क्योंकि एक समस्या दी हुई है, दूसरी समस्या को छिपा दिया गया है, ऐसे क्या करेंगे इसको जो है बाहर निकालने के लिए आप दोनों परिस्थितियों को ठीक से समझेंगे। अभ्यर्थी द्वारा कभी कभी असावधानी बस कुछ ऐसे निर्णय दे दिए जाते हैं जो न केवल अप्रासंगिक होते हैं अपितु हास्यास्पद भी हो जाते हैं। अतः कुछ बिंदु नीचे दिए गए जा रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना चाहिए। इन
निर्णयों को हो सकता है कि पूर्णतः आपके मस्तिष्क में प्रभावी ना हो सकता है, आपको लगता हो कि इससे बेहतर किया जा सकता है, तो आप निश्चित रूप से बेहतर सोच रहे हैं तो कर सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही उत्तर आपको लिखना जरूरी है, अगर आप उससे भी बेहतर बना सकते हैं तो आप उसको बनाइए। मेरा तो केवल है कि आप बेहतर से बेहतर उत्तर लिख सकें। इसमें बिंदु जो है, निर्णय सदैव पद एवं अधिकारी के अनुरूप, अधिकार के अनुरूप होने चाहिए, स्वयं को सर्वाधिक मानते हुए निर्णय लिया जाए। और ये बात आप ध्यान दे लीजिए, जब आप निर्णय लेते हैं कि चपरासी का कर्तव्य चपरासी तक ही सोचेंगे, आप एक जिलाधिकारी तक ही सोच करके उत्तर देंगे, ऐसा अधिकारी प्रधानमंत्री के बराबर सोचकर निर्णय लेने लगेगा, होगा हास्यप्रद होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि आप खंड विकास अधिकारी के रूप में निर्णय ले रहे हैं तो आप न तो किसी सचिव की भांति निर्णय ले पाएंगे और न ही किसी न्यायाधीश की भांति निर्णय ले पाएंगे, यह भी बहुत आवश्यक होता है। निर्णय आप लेते समय इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला है, निर्णय के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभावों को भी देखा जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, पर्यावरण संरक्षण पर निर्णय करते हुए विकास की जरूरतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे पर्यावरण पर अगर आप निर्णय ले रहे हैं कि पेड़ों का होना आवश्यक है और नहीं काटा जाना चाहिए, तो आपको यह भी निर्णय लेना है कि जंगल नहीं कटेगा तो पर्यावरण कहाँ पर स्थापित होगी। तो दोनों को, विकास और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए किसी चीज का निर्णय लिया जाना चाहिए। निर्णय में यद्यपि मानवता सर्वोपरि होती, निर्णय में हमेशा मानवता को ध्यान में रखा जाता है और तथापि संस्थान का हित भी देखा जाना चाहिए। और जब आप कहीं पर निर्णय ले, मानव को ध्यान देंगे और साथ साथ संस्थान का ध्यान देंगे। ऐसा नहीं किसी ने फैक्ट्री लगवाया, आपको लगा कि गैस रिसाव होता, लोगों ने आंदोलन किया, का निर्णय ले लिए कि यहाँ से संस्था दिया जाना चाहिए क्योंकि आदमी के आरामदायक है, बल्कि दोनों के बीच आप निकालेंगे जिससे दोनों रह सके वहां। उदाहरण स्वरूप, श्रमिकों कल्याण हेतु कैसे ऐसे निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए कि जिससे कि कंपनी को के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो जाए। आंदोलन करते हैं हमारा वेतन बढ़ाया जाए, मान लीजिए कोरोना संकट के समय में वो वेतन की मांग कर रहे हैं, फैक्ट्री के पास अर्निंग नहीं है तो वह वेतन देगा कहाँ से। ऐसे आपको दोनों के बीच का मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे कंपनी बंद हो और न ही मजदूर ही मरे, दोनों के बीच में एक नया निर्णय निकाल करके आपको काम कराना होगा। संकट उत्पन्न करने की परिस्थिति में इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त निर्णयन में सदैव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संगतता होनी चाहिए। जब आप निर्णय लेते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कानूनों को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण है तो रामसर समझौते पर ध्यान देंगे और उस पर ध्यान देते हुए इस पर किस प्रकार से कार्य से केस स्टडी का अध्ययन किया जाता है। और अब आपको एक स्टडी, मैं उदाहरण स्वरूप एक का अध्ययन कराता हूं, इसका आते हैं है क्या, तो केस स्टडी फर्स्ट है, एक सार्थक एक मेहनती एवं कर्मठ युवा है और वह अपना एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, इसके लिए उसे रुपयों की आवश्यकता है। वह कर्ज लेना चाहता है परंतु वह यह भी जानता है कि समय पर रुपये चुका नहीं पाएगा और यह भी जानता है कि जब तक झूठा वचन नहीं देगा तब तक कर्ज प्राप्त नहीं होगा। वह मन में झूठा वचन देने का निश्चय कर लेता है, फिर भी उसके दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस प्रकार झूठा वचन देकर अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना उचित है। क्या इस स्थिति में उसे झूठ लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लक्ष्य के लिए असत्य का सहारा लिया जाना नैतिक है।
इस में नैतिक प्रकरण में क्या आप विचार देना चाहते हैं। नैतिक प्रश्न में सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न विचार क्या है, आखिर प्रश्न का उत्तर ऐसा ही आप लिखेंगे, ऐसा क्यों लिखना है आपको, इस पर पहले ध्यान दें। तो ये कह रहा है कि झूठ बोलना यहाँ पर क्या नैतिक था कि वह झूठ बोल रहा है, तो इस पर ध्यान दे दिए कि आधुनिक इस विचार क्या है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के समीक्षावादी दार्शनिक कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नैतिक सूत्रों की चर्चा की है। कि कांट कहता है कि कुछ इसके लिए नैतिक कौन कौन से हैं इसकी चर्चा की है, तो इसमें कांट के व्यक्तित्व को पढ़ना और उसके सिद्धांतों की जानकारी होना आपको आवश्यक है। कर्तव्य सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नैतिक जिससे व्यक्ति के नैतिक निर्णय को व्याख्यायित किया जा सके। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए वह बौद्धिक दृष्टि से विचार कर सकता है। इसका प्रमुख सूत्र है, केवल उसी से कार्य कीजिए जिसके द्वारा आप उसी समय इच्छा कर सकें कि वह सार्वभौमिक नियम बन सके। इस दृष्टि से यदि कोई झूठ बोलता है तो यह अनैतिक है, क्योंकि इसे सार्वभौम नियम नहीं बनाया जा सकता। तो कांट सिद्धांत कहता है, वो यह कहता है कि क्या है, ता नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अगला देखिए, इसका उत्तर लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे। उत्तर लिखते समय आप ये ध्यान देंगे कि इसका उत्तर लिखा कैसे जाएगा। तो किसी भी प्रकरण में त्वरित लाभ हानि, किसी जब कोई प्रकरण या घटना है तो त्वरित लाभ और हानि इतने जल्दी नहीं होते। किसी भी प्रकरण में त्वरित लाभ हानि के साथ दुर्गामी प्रभावों को भी देखने की आवश्यकता होती है। जैसे आप त्वरित लाभ के लिए कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन दुर्गामी परिणाम यह है कि आप कर्ज समय पर नहीं चुका पाएंगे। जब कर्ज समय पर नहीं चुका पाएंगे, आपके जो बच्चे कभी क्या होंगे, बैंक या ऋणदाता द्वारा हस्तांतरित कर लिए जाएंगे। परिणाम क्या होगा, आपकी पूंजी सदैव के लिए शून्य हो जाएगी। इस स्थिति में नैतिकता की कसौटी पर जांचने से यह स्पष्ट हो जाता है कि झूठा वचन देने को सार्वभौम नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई सार्वभौम नियम बनाते हैं तो सभी झूठा वचन दे सकते हैं, फिर रुपया देने वाला किसी पर विश्वास नहीं। आदमी झूठ बोल करके किसी से कर्ज ले लेता है तो वह हमेशा क्या होता है, और बाद में तो रुपया देने का साहस कभी किसी के ऊपर करेगा जुटा नहीं पाता है। एक उदाहरण हिंदी में कहानी थी, बाबा भारती के घोड़े की कहानी। बाबा भारती खड़क सिंह डाकू से केवल इतना कहता है कि आप अपाहिज बनकर मेरा घोड़ा छीने हो, यह बात किसी से मत कहना। इस बात का उत्तर जानने के लिए खड़क सिंह बाबा के घोड़े को ले आकर उसके अस्तबल में बांध देता है और रात भर इंतजार करता है कि बाबा उठेंगे उनसे मैं इस प्रश्न का उत्तर लूंगा। क्योंकि झूठ बोलना उसका अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा, लोग असहायों की सहायता करना बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में सार्वभौम झूठ जो है वह नहीं बन सकता, बल्कि वह छिपाने योग्य ही झूठ। जरूरी होता है कि हम नैतिकता का ही यदि इसे सार्वभौमिक नियम बनाते हैं तो सभी झूठ झूठा वचन दे सकते हैं, फिर रुपया देने वाला व्यक्ति किसी पर ही स्थिति आ जाएगी कि कोई किसी को रुपया नहीं देगा। इसका परिणाम यह होगा कि कभी अगर जरूरतमंद व्यक्ति भी होगा तो लोग उसके इस बनने के कारण उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे, सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। नहीं, यदि इसे सामान्य नियम मान लिया जाएगा, यदि इस झूठ को जो झूठा सामान्य नियम मान लिया जाए तो
इतना ही नहीं, यदि इसे सामान्य नियम मान लिया जाए तो मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर झूठा वचन देकर कर्ज लेगा। फिर तो वचन नाम किसी चीज न तो सत्ता है, वचन देने का कोई उद्देश्य ही रह जाएगा। अतः सिद्ध है कि वचन भंग या झूठा वचन नहीं बनाया जा सकता, यह एक अनैतिक कर्म ही है। अंत है किसी भी स्थिति में झूठ बोलना जो है असत्य के बराबर ही सिद्ध होता। तो कांट के इस नियम को आप निश्चित रूप से इस केस स्टडी में विद्वत से हैं। में हम आपको जो है केस स्टडी 2 की चर्चा करेंगे, आपको नियमित जो है एक केस स्टडी प्रोवाइड कराई जाएगी। और केस स्टडी क्योंकि चतुर्थ पेपर का अभिन्न अंग है और इसको आप पढ़ करके अच्छे से उत्तर आप दे सकते हैं। और इसके लिए आप जो है मनोज आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पोर्टल पर आकर के आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए लिंक होती है www.manojais.com, उस पर जाकर के एक लिंक होगा ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप जाएंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर्स आएगा, आप उससे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स को खरीद सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आप इसका लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।